हाँ टीशु की मम्मा आ गई है। ओ सच में आ गई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फाइनली आज हमारी त्रिशा को 2 महीने पूरे हो चुके हैं। मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज हमारी त्रिशा को 2 महीने पूरे हो चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस 2 महीने को भी बहुत स्पेशल बनाया जाए। और मैंने सोचा इसकी जो 2 महीने का फोटो शूट है वो किस थीम पे होना चाहिए। और अभी आ रही है जन्माष्टमी, और राधा रानी से बेहतर सुंदर तो कोई है ही नहीं, और उनका ही दिया हुआ सब कुछ है। तो चलो आज बनाते हैं हमारी त्रिशु को राधा रानी। और आप लोगों ने मेरी पिछले फोटो शूट को इतना सारा प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें प्यार देते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं। सबसे पहले मैं गई देखने की मेरे पास कितने तरीके के दुपट्टे रखे। मेरे पास 2 तरीके के दुपट्टे रखे थे। सबसे पहले मैंने उसे निकाला। मैडम की नींद पूरी हो चुकी है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे सूट के दौरान जो जो चीजें चाहिए थी, सबसे पहले मैंने वो सारी चीजों को निकाल के रखा। और मैंने सोचा था कि ये मैं नीचे करूंगी जमीन पे, वो कंफर्टेबल होगा इसके लिए और ये खिसकेगी नहीं। उसके बाद मैंने त्रिशा को उठाया, उसे रेडी करने की कोशिश करी। वो बहुत रो रही थी। जब भी कुछ करने की सोचो ना, इनके ड्रामे ही शुरू हो जाते हैं, ये छुप ही नहीं होते। फिर मैंने उसे दूध पिलाया, फॉर्मूला मिल्क देती हूँ मैं इसे। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा था कि आप कौन सा दूध देते हो। मैं इसे फॉर्मूला मिल्क ही देती हूँ। काऊ मिल्क या डब्बे वाला दूध इसको मैं नहीं देती। 90% वो मेरा फीड करती है और 10% वो फॉर्मूला मिल्क लेती है। यानी कि दिन में करीबन 1 से 2 बार वो 60-60 की लेती है। एक तो यूरोप में छोटे बच्चों का इंडियन ड्रेस मिलता नहीं है, और अगर गलती से कुछ मिल गया, सेल्फ भी अगर आप कुछ रेडी करते हो, ओ भाई मेरे को ऐसा लगता है अब दुनिया का सबसे बड़ा काम है बच्चों को तैयार करना, स्पेशली उनको किसी स्पेशल ओकेशन के लिए रेडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर जब वो रेडी होते हैं ना, सच में इतना अच्छा लगता है कि पूछो मत। और मेरी बेटी सच में बहुत प्यारी लग रही थी। सभी बच्चे अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं, क्यूट होते हैं, और सभी माँ को उसके बच्चे अच्छे लगते हैं। जो भी मेरे पास सामान था, जो भी मैं इंडिया से लेके आई थी, मैंने सबसे पहले वो सब कुछ निकाल के रख दिया। और दुपट्टे से ही मैंने उसे पिनअप करके रेडी किया था। और बाद में मैंने चूड़ी से 2 बनाया, क्योंकि 2 मंथ का फोटो शूट है। और जितनी मेरी पायल थी, नथ थी, गोल्ड के बैंगल्स भी मैंने निकाले थे, पर इसका हाथ इतना छोटा है कि वो बिल्कुल गिर जा रहा था, और फिर मुझे बाद में वो हटाना पड़ गया। तो आप अगर चाहें तो वो यूज कर सकते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो राधा रानी को चढ़ते थे। मैं यहाँ पे जो भी फोटो शूट करती हूँ, उन सभी की रील्स, वीडियोस, फोटोज, सब कुछ मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर रील देखने में आपको और मजा आएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगी, आप मुझे जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कल्याणी रोहित के नाम से मेरा पेज है। और ये रही हमारी राधा का फाइनल लुक। इस फोटोशूट का फाइनल लुक जो है आपको इसी वीडियोस के लास्ट में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ कि मैंने और क्या क्या किया। अब आ गए हम हमारी दूसरी तैयारी की तरफ। जो भी लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, उन्हें पता है कि मैं त्रिशा के हर मंथ के बर्थडे पे मफिन्स बनाती हूँ, और इस बार भी मैं मफिन्स बना रही हूँ। और मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा पसंद है,
तो हम मार्केट से ना लेके घर पे ही बनाते हैं। घर पे चीजें जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। हम यहाँ यूरोप में अकेले रहते हैं तो थोड़ा सा बच्चे के साथ कुछ भी एक्स्ट्रा करना बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है, बहुत मुश्किल होता है। तो अभी बच्चा छोटा है तो हर थोड़ी थोड़ी देर में उठ जाता है, थोड़ा बहुत रोती है, इट्स ओके, मैं छोड़ देती हूँ, पर बहुत ज्यादा भी बच्चे को रुलाना सही नहीं है। तो मुझे हमेशा अपनी बेटी को गोद में रख के ही काम करना पड़ता है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैं वीडियोस के लिए ऐसा करती हूँ या रील्स के लिए ऐसा करती हूँ, पर जो न्यू मॉम्स हैं वो मुझसे रिलेट कर पा रही होंगी, और स्पेशली वो जो अकेली रहती हैं, दूर रहती हैं अपनी फैमिली से, बहुत टफ होता है यार। बोलना बहुत आसान है कि ये वीडियोस के लिए कर रही होगी, वीडियोस के लिए आप भी कर लो अगर इतना आसान है तो। कभी बच्चे को गोद में रख के, कभी ट्रॉली में रख के, कभी झूले पे रख के, बस ऐसे ही काम चलता है। ममा गई, ममा गई। अरे टिशु की ममा आ गई है। ओ सच में आ गई। बस सच में आ गई तो। मम्मा झूठ बिल्कुल नहीं बोलती। अरे नहीं बोल रही मम्मा झूठ। बस जैसे तैसे सारा काम निपटा के हाथ हाथ धो के मैं गई अपनी बेटी को लेने, और ताकि मुझे जिसे आ छोड़ गई सब आ बस गई काम आ छोड़ सके, गई। उसको भी थोड़ा आराम मिले। मैंने सोचा इसे थोड़ा दूध पिला देते हैं, फॉर्मूला मिल्क, जिससे थोड़ी देर के लिए वो शांत हो जाएगी। जब तक मैं अपने बाकी सारे काम निपटा लूंगी, किचन की थोड़ी सफाई कर लूंगी, और तब तक मफिन्स जो है वो रेडी हो जाएंगे। मेरे मफिन्स 20 मिनट में रेडी हो जाते हैं। अगर आपको मफिन्स की भी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे मफिन्स रेडी हो चुके हैं, अब इसे चेक करने की बारी है। चेक करने के लिए मुझे चाकू तक नहीं मिल रहा था, तो मैंने कैंची से ही चेक कर लिया, और ये बहुत अच्छा निकला है। सच में बहुत अच्छा, टेस्टी और सॉफ्ट भी बना था, और इसका फिर रोना शुरू हो गया। ये थोड़ी देर देर में ही उठ जाती मेरा है। बच्चा कितना परेशान रहता मेरी वजह से, कितना परेशान रहता है टीचू, मेरी वजह से कितना परेशान रहता है। हाँ तो मम्मा मेरे को छोड़ दीजिए। और ये रहा हमारी त्रिशा का फाइनल लुक। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इसकी फोटोज वीडियोस कैसी लगी, हमारी छोटी सी प्यारी सी राधा रानी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए, और अब तो फोटो शूट करने के लिए भी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय 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 बाय। राधे 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 राधे।